हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पोजिशनल और स्विंग ट्रेड सीरीज में एक नए स्टॉक को ऐड करने वाले हैं, जिसका नाम हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड है। इस कंपनी का हम चार्ट को डिस्कस करेंगे और इस कंपनी में हम एक पोजिशनल ट्रेड के बारे में डिस्कस करेंगे। ये पोजिशनल ट्रेड हम एक फिक्स टारगेट के लिए लेकर रखेंगे और जब हमारा टारगेट पूरा होता है तो हम इस कंपनी को फर्दर रिव्यू करेंगे कि उसके बाद हमको क्या एक्शन लेना है इसमें। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है और इसको हम काफ़ी अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर उसके पहले मैं हमेशा की तरह आपसे बोलूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि आपको ये एनालिसिस कैसा लगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि जो भी नए वीडियोज़ मैं पोस्ट करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिलेगा। तो चलिए सर, पहले हम इसके चार्ट को देख लेते हैं हैप्पीएस्ट माइंड के। तो आप जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने इसका आर्ली चार्ट लगाया हुआ है। इसमें एक कैंडल जो है वो 1 आवर को रिप्रेजेंट कर रही है, 1 घंटे को रिप्रेजेंट कर रही है। तो और मैंने इसका 1 ईयर का ट्रेंड लिया। हालांकि ये रिसेंट लिस्टिंग है, ये सेप्टेम्बर में ही लिस्ट हुई थी, बट इसमें डेटा हमारे पास बहुत लिमिटेड है तो हमने इसका एक आर्ली चार्ट लगा के रखा हुआ है। और अर्ली चार्ट काफ़ी हमको हेल्प करता है पोजिशनल ट्रेड्स लेने में, तो इसका अर्ली चार्ट्स को हम पहले डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि मैंने सारे मूविंग एवरेजेस लेके रखे हुए हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस लेके रखे हुए हैं 10, 20, 50, 100 और 200 डेज का। साथ में मैंने एक RSI इंडिकेटर भी इसमें यूज़ किया हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि इसकी जो लिस्टिंग हुई थी, ये रिसेंट लिस्टिंग ही है, वो सेप्टेम्बर में हुई थी। उसके बाद आप कंटिन्यूसली इसमें एक प्रेशर देख सकते हैं कि इस कंपनी में एक प्रेशर है। हालांकि अगर आप इसके फंडामेंटल्स को अगर आप मुझसे बोलेंगे तो ये बहुत ही शानदार कंपनी है, बहुत शानदार कंपनी है ये। और जनरली ये जो प्रेशर आपको दिख रहा है, ये जो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको सारा माल उनसे ले लिया गया है इस जगह पर। अब ये कंपनी तैयार हो गई है कि ये जो बड़े इन्वेस्टर्स के पास में ये सारे शेयर्स आ चुके हैं, तो अब यह इसका जो ट्रेजेक्ट्री है, जो नॉर्थवर्ड ट्रेजेक्ट्री है, जो कि एक अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री में जाना चाहिए इस कंपनी को, वो अब स्टार्ट होने वाली है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक कंटिन्यूसली एक ट्रेंड में ये चल रही थी कंपनी। ओके सर, अभी ये देखिए आप इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेते हुए ये डाउनवर्ड ड्रिफ्ट कर रही थी, बट आप रिसेंटली देखिए कि यहाँ पे एक थोड़ा सा वॉल्यूम एडिशन हुआ है, जो कि प्रीवियस वॉल्यूम्स से अगर आप कंपेयर करेंगे तो रिलेटिवली हायर है। और इस जो डाउनवर्ड ड्रिफ्टिंग चैनल था उसको इसने अभी रिसेंटली डिसाइसिवली ब्रेक किया है। काफ़ी अच्छे यहाँ पे वॉल्यूम्स भी दिख रहे हैं हमको और काफ़ी बड़ी लार्ज कैंडल्स फॉर्मेशन यहाँ पे हुए हैं। फर्दर आप देखेंगे कि जो कल परसों का रिसेंट करेक्शन था उसमें भी इसने इसी पर ही सपोर्ट लिया है, इसी ट्रेंड लाइन पर, और अब फर्दर इसमें प्राइस अप्रिसिएशन हमको दिख रहा है। तो ये यहाँ से अब मुझे नहीं लगता है कि इस ट्रेंड को फर्दर ये कंटिन्यू करेगा। और यहाँ पर हमको देखिए RSI में भी काफ़ी अच्छा डाइवर्जेंस दिख रहा है। ये देखिए आप यहाँ पे RSI में आप देख रहे हैं जो प्राइस ट्रेजेक्ट्री है, डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम भी बोल सकते हैं आप यहाँ पे बना चुका है, पर जो मोमेंटम दिख रहा है RSI इंडिकेटर में वो काफ़ी एनकरेजिंग है। वो आपको दिख रहा है कि इसमें जो डाउनवर्ड जो ट्रेजेक्ट्री थी स्टॉक की वो अब ख़त्म होती जा रही है और अब बायर्स इसमें आते जा रहे हैं। तो ये जो प्राइस का मोमेंटम है अब देखिए कि स्लोली अपवर्ड ड्रिफ्ट होना चालू हो गया है। तो यहाँ पे आपने देखा कि RSI में आपको डाइवर्जेंस दिख रहा है, थोड़ा वॉल्यूम एडिशन हुआ है और ये जो डाउनवर्ड चैनल था उसको उसने डिसाइसिवली ब्रेक करके अब उसके ऊपर क्लोज करना चालू कर दिया। तो हम काफ़ी सेफली बोल सकते हैं कि इसका जो एक जर्नी थी डाउनवर्ड साइड की वो अब ख़त्म हो गई है। और ये कंपनी क्योंकि बहुत स्टेबल कंपनी है, काफ़ी रेप्यूटेड इसके जो फाउंडर हैं मिस्टर अशोक सूटा, वो काफ़ी रेप्यूटेड पर्सन है। अगर मेरे पास समय होगा तो मैं इस पर ज़रूर एक काफ़ी डिटेल्ड वीडियो बनाना चाहता हूँ, तो वो अगर आप डिमांड करेंगे, आप लोग बोलेंगे तो मैं इस पर ज़रूर काफ़ी एक अच्छा डिटेल्ड वीडियो भी बनाकर आपको दूंगा, जो कि हम मल्टीबैगर स्टॉक सीरीज में ऐड कर सकते हैं। चलिए अभी हम इसका ब्रीफली एक डेली चार्ट्स पे भी ट्रेंड देख लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर कि जो प्राइस ट्रेजेक्टरी थी, जैसे कि हमने आर्ली चार्ट में देखा, सेम हमको कहानी इसमें भी दिखती हुई दिख रही है। तो आप देखिए यहाँ पे ये डाउनवर्ड स्लोप कर रहा था प्राइस, फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हमने देखा,
जो कि साइडवेज यहाँ पर रहा ये, उसके बाद अभी यहाँ पर डिसाइसिवली इसने ब्रेकआउट दिया है और इसके ऊपर क्लोज भी किया है, इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर क्लोज किया। वहीं पर आप थोड़ा सा वॉल्यूम एडिशन भी आपने देखा है यहाँ पे, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में एक कैंडल बनी। और तीसरा जो हमेशा हम देखते हैं कि RSI, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, इसको आप कभी भी लाइटली मत लीजिएगा। तो ये देखिए, ये आपको पॉजिटिव मोमेंटम शो कर रहा है, स्ट्रेंथ दिखा रहा है RSI। तो इसमें ये क्लियरली आपको पिक्चर दिख रही है कि जो डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री थी अब उसमें स्टीम नहीं रह गई है, उसमें ब्रेक लगता हुआ दिख रहा है, और अब जो अपवर्ड डायरेक्शन की जो ट्रेजेक्ट्री इसकी है वो अब स्टार्ट हो रही है। तो आप इसको, इस मौके को मत जाने दीजिए, आप इसमें अक्यूमुलेशन ज़रूर करिएगा। आप इसको बहुत स्लोली आप ले सकते हैं इसमें पोजीशंस, बट इस मौके को जाने मत दीजिए, आप इसको एक्यूमुलेट करना चालू कर दीजिए। हम वापस से अर्ली चार्ट पे आते हैं और हम एक बार लेवल्स भी डिस्कस कर लेते हैं। तो मुझे ईजिली अभी एट प्रेजेंट 338 का लेवल चल रहा है इसका, 338 पे ये ट्रेड कर रहा है प्रेजेंटली। मुझे मिनिमम लगता है कि 365 का तो लेवल कम से कम टच करना चाहिए, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टीपल टाइम्स पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया था। तो एक बार मिनिमम यहाँ पर तो आएगा ही इसको टच करने के लिए। यहाँ पर हो सकता है थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिले, माइनर रेजिस्टेंस मिले, बट अब जो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक कम्प्लीटली रिवर्स होने वाला है और ये अपने जो लिस्टिंग प्राइस था उससे भी ये ऊपर जाने वाला है। ये काफ़ी मुझे क्लियरिटी दिख रही है इसमें कि ये इस लिस्टिंग प्राइस से भी ऊपर जाने वाला है, क्योंकि जो रिटेल इन्वेस्टर्स को बाहर निकालना था वो सारे बाहर निकल चुके हैं। अब ये स्ट्रॉन्ग हैंड्स में ये काउंटर जा चुका है और अब ये यहाँ से प्राइस ट्रेजेक्ट्री को अपवर्ड डायरेक्शन में ही जाना चाहिए। तो ये अगर आप फर्स्ट फर्स्ट जो टारगेट रहेगा वो हमारे 365 पर रहेगा। अगर आप फर्दर भी इसमें रखे रहना चाहते हैं तो हम एक बार 365 पर रिव्यू करेंगे और फर्दर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको रखना चाहते हैं तो आप इसको ज़रूर रखिएगा। ये कंपनी आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स इन फ्यूचर में भी दे सकती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए हमको, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको, इस कंपनी को रिव्यू करूं, फर्दर फंडामेंटल एनालिसिस करूं, बिजनेस मॉडल को समझाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो इस पर हम एक काफ़ी डिटेल में एक अच्छा वीडियो बनाकर आपको बताएंगे। तो चलिए सर, कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए, सी यू लेटर, बाय बाय।